I'm fine. I hope you will be also fine. Pay attention, here your English teacher Shweta Tiwari. So student, take your English grammar book and open chapter 4. Okay, chapter name is nouns. Today I will teach you abstract noun and collective noun. Okay, so abstract nouns express state, ideas, concept, feelings or qualities that cannot be seen or touched, but can only be felt, experienced. Abstract noun जो है वो state यानी states को, ideas को, concept को, feeling और qualities को express करता है, व्यक्त करता है, that cannot be seen or touched, उसको हम छू और देख नहीं सकते हैं, but cannot only be felt यानी कि अनुभव कर सकते हैं और उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यानी कि उसको महसूस कर सकते हैं और उसका अनुभव कर सकते हैं. ओके, तो इट मीन्स ये जो है मोस्टली फीलिंग्स को, कॉन्सेप्ट को, आइडियाज़ को और क्वालिटीज़ को शो करने के लिए होता है. सो स्टेट में क्या क्या है देखिए, कॉन्सियसनेस, होप, ह्यूमर, इंसैनिटी, मैच्योरिटी, चाइल्डहुड, मैनहुड, वुमेनहुड. ओके, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, स्टेट में. ओके, नेक्स्ट है क्वालिटीज़, जैसे ब्यूटी, ब्रेवरी. ओके, ब्यूटी और सुंदर, ब्रेवरी, काम, ओके, शांत, बहादुरी, चैरिटी, कॉन्फिडेंस, करेज, क्यूरियसिटी, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, एलिगेंस, एंथुजियाज्म, एविल, फियर, जनरोसिटी, पेशेंस, प्रिजर्वेंस हो गया, गुडनेस, ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस, विजडम, विट. सो ऑल वर्ड्स आर रिलेटेड टू क्वालिटीज, मीन्स ये किस चीज़ को शो करते हैं, एबस्ट्रैक्ट नाउन को. नेक्स्ट है फीलिंग्स, हैट्रेड. ओके, इसकी से हैट करना. ओके, हैट्रेड, लव, ऑनर, जेलसी, काइंडनेस, लॉयल्टी. तो ये सारी चीजें क्या है, फीलिंग्स हैं. ओके, नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन्स. अ कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एज. ओके, कलेक्टिव नाउन जो है वो ग्रुप को शो करता है, ग्रुप को. अ रो ऑफ बुक्स, किताबों की पंक्तियां, रो ऑफ बुक्स, हाउसेज हो गया, ट्रीज हो गया. स्वार्म ऑफ आंट्स, फ्लाइज, बीज, पैक ऑफ वॉब्स, वंच ऑफ कीज, चाबी का गुच्छा, फ्लावर्स, ग्रेप्स, बनानाज, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, क्लंप ऑफ ट्रीज, एंड एंथोलॉजी ऑफ स्टोरीज एंड पोएम्स. ओके, दीज आर कलेक्टिव नाउन. इट मीन्स वो चीजें जो कि किसको शो करती हैं, समूह को, ग्रुप को. ओके, जैसे रो ऑफ बुक्स, बुक्स, बहुत सारी बुक्स, हाउसेज, ट्रीज, स्वार्म ऑफ आंट्स एंड फ्लाइज, बीज. ओके, ओके, स्वार्म ऑफ आंट्स एंड बीज, यानी कि बीज का, फ्लाइज का, आंट्स का एक झुंड, स्वार्म. तो ये भी किस चीज को शो कर रहा है, ग्रुप को. अ पैक ऑफ वॉल्व्स, ओके, ओके, पैक ऑफ वॉल्व्स, ओके, यानी कि भेड़ियों का जो है पैक, तो ये भी ग्रुप को शो कर रहा है. वंच ऑफ कीज, फ्लावर्स, गुच्छा, ग्रेप्स का गुच्छा, यानी कि ग्रेप्स की वंच, बनानाज वंच, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, क्लंप ऑफ ट्रीज, ओके, यानी कि पेड़ों का झुरमुट. ओके, क्लंप, क्लंप, तो ये भी आपका क्या शो कर रहा है, कलेक्शन को, यानी कि ग्रुप को शो कर रहा है, एंड एंथोलॉजी ऑफ स्टोरीज. सो स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउन्स आर यूज टू डिफाइन ग्रुप ऑफ थिंग, किसी भी चीज का ग्रुप, ग्रुप को शो करता है. ओके, नेक्स्ट, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स एंड ग्रेप्स, अ हर्ड ऑफ काउज, डियर, एलिफेंट्स. ओके, यानी कि बहुत सारी काउज हैं, डियर हैं, एलिफेंट्स हैं, शोल ऑफ फिश. सो दीज आर वर्ड्स, दीज आर वर्ड्स टू शो कलेक्टिव नाउन्स. ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, ओके, रीड द फॉलोइंग पैसेज अबाउट डॉक्टर डॉलिटल, द फेमस एनिमल डॉक्टर. अंडरलाइन द नाउन्स द पैसेज, देन पुट देम इन अप्रोप्रिएट कॉलम्स इन द टेबल गिवन यू. ओके, यानी कि कॉमन नाउन में जो भी, इसमें आपके जो भी नाउन्स हैं जिनको आप इसमें देखेंगे, वो कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है,
कौन सा नाउन है इसको आप फर्स्टली यू विल ट्राई, ओके, सबसे पहले आप स्टूडेंट्स आप लोग ट्राई करेंगे. नेक्स्ट डे इट मीन्स टुमारो आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सरसाइज. ओके, सो दिस इज होमवर्क फॉर टुडे. नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, यू विल राइट द डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन्स. ओके स्टूडेंट्स, सो इट्स इनफ फॉर टुडे क्लास. हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर योरसेल्फ.